Hi guys, welcome back. My name is Narendra Kumar and welcome to our studio Unacademy Vault. And आप ये बताओ कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया हमारा चैनल Unacademy Studios Vault. इसको अच्छे से याद कर लो और सबके साथ शेयर कर दो, ठीक है. मैं कमेंट सेक्शन में भी लिख दूंगा. हेलो, कौन कौन आ गया? शिखा रानी. ऑल राइट, सो टुडेज टॉपिक इज सेंटेंस जम्बल्ड ट्रिक्स, ठीक है. अगेन मैंने इस पर लगभग दो तीन वीडियो बना दिए हैं एंड हर टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. जब तक हम कंफर्टेबल नहीं हो जाएगा वी विल नॉट मूव ऑन. माई एफर्ट इज टू मेक श्योर कि यू आर कंफर्टेबल विद एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक्चुअली इट्स नॉट बींग कम्फर्टेबल, इट्स अबाउट हैविंग द ट्रिक्स, ठीक है. यू सी द क्वेश्चन एंड विद इन सेकेंड यू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके. ये मेरा आइडिया है. बताओ कितना लोग आ गया है? चलो, वी विल वेट फॉर सम पीपल, देन वी विल स्टार्ट. और इस लिंक को शेयर कर दो सबके साथ में, लेट एवरीवन नो कि आप भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को. एक आपको फीलिंग मार के नहीं करना है एंड तुक्का नहीं मारना है, ओके. आप क्या करोगे, टू द पॉइंट आप सॉल्व करोगे और करेक्ट आंसर भी करोगे. इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देर आर टू थिंग्स, स्पीड एंड एक्यूरेसी. ये दो कहानियाँ यार, और इन दोनों कहानियों को अपने दिमाग में बसा लो और उसी के अकॉर्डिंग चलो. स्पीड भी चाहिए मुझे सॉल्व करने का और एक्यूरेसी भी चाहिए. कुछ लोग फास्ट कर देते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं. सम पीपल गेट इट राइट बट दे टेक टाइम एंड देन अगेन, तो दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम. ओके, दिस इज माई नेम, ओके. फॉर ऑल दोज गाइज हु आर वॉचिंग इट फर्स्ट टाइम एंड आई बी टीचिंग दिस फॉर मोर देन 7 years नाउ. ऑल राइट, लोग टाइम पूछते रहते हैं. आई विल मेक श्योर कि एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, इन द मिडिल पार्ट एंड द लास्ट पार्ट, ओके. आई विल मेक श्योर कि मैं टाइमिंग के बारे में बोलता रहूं. एंड गाइस, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं कि आप कमेंट में बताते रहो बच्चों को कि कोई टाइम पूछता है कि किस टाइम पर हमारा क्लास हो रहा है. तो 12 to 1 PM एवरी डे आफ्टरनून, ठीक है. मंडे टू संडे आई डिस्कस न्यू पैटर्न इंग्लिश. ऑल राइट, एंड द नेक्स्ट 9 to 10 PM डेली. रात को मैं डिस्कस करता हूँ ग्रामर वाले पार्ट को. तो इन दोनों टाइम को जो रेगुलर है उनको तो पता चल गया, दे आर फॉलोइंग इट. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज दीज गाइज विल इम्प्रूव फॉर श्योर 100%. नोबडी कैन स्टॉप दैम बिकॉज दीज ट्रिक्स और दीज मेथड्स आर लाइक प्रूवन. हर क्वेश्चन में चलता है. एंड द फनी थिंग इज कि आई हैव सम कॉमन स्टोरीज, थ्रू द हेल्प ऑफ दिस कॉमन स्टोरी यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन एक्चुअली. That is the interesting part. Okay. So I hope you are listening my stories. Chalo check karte hain kaun kaun aa gaya hai. Sachidanand, hello. Khushi Goyal. Khushi, have you watched my previous videos? Adnan Siddiqui. Adnan bhai, aapne koi video watch kiya hai pehle mera? If you haven't watched my previous videos, go for it. Because lagbhag shuru ke jo mere new pattern par 17-18 videos honge lagbhag. 16, 17, 18 or something, and then on grammar part. This is a complete syllabus. You don't need any book. You don't need any offline online class. My videos are complete. If you don't believe, start watching. All right? L1, L2, L3 means lesson 1, lesson 2, lesson 3. And please watch in order. Otherwise, do not watch at all. There is no point. Because मैं एक सट्टे मैं टॉपिक्स को एक एक प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ. उसकी वजह है कि आपके अंदर क्लैरिटी रही है, क्लैरिटी हो जाए आपके अंदर में. आज तक स्टूडेंट के बीच में क्या था, रैंडम इन्फॉर्मेशन उनको मिलती थी. किसी भी क्लासरूम में जाओ, मैं भी जब इंग्लिश क्लासरूम में जाता था पढ़ने के लिए, वैसे इंग्लिश का बहुत कम कोचिंग किया है मैंने, बट जब भी एक जगह मैं देखा ऐसे डेमो के लिए 8 years बैक और समथिंग, तो मैं नोटिस किया था कि यार टीचर कुछ भी रैंडम उठा लेता है, ठीक है. एंड दैट इज नॉट द वे यू नो द थिंग शुड बी. द आइडिया इज कि स्टूडेंट बिल्कुल अननोन होता है और उसके सामने कहानी को बिल्कुल प्रेजेंट कर दो. अगर महाभारत सुना रहे हो तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करो और फिर एंड तक ले जाओ. बीच में से अगर महाभारत समझाओगे तो वो बच्चा 1000 क्वेश्चन पूछेगा, भाई ये क्या ये क्यों. इसीलिए आप भी सोच लो, देर इज ऑलवेज द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द मिडिल पार्ट एंड द लास्ट पार्ट. मेरा ये सेशन आप लगभग 5-6 महीने तक फॉलो कर लो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है. बहुत अच्छा हो जाएगा आपका. ऑल राइट, अंशिका, विनय, ओके. हेलो विनय, हेलो, ओके. अभीपसा, यूर मैं कल की आपके क्लास के बारे में पता चला. ओके अभीपसा, जब जागो तभी सवेरा वाली बात है, ठीक है. आई हैव अ मैसेज फॉर यू. आई थिंक आपको पता चल गया है. वॉच ऑल माई वीडियोज इन प्रॉपर ऑर्डर. ध्यान रखना, अगर आप रैंडम करोगे वेबसाइट तो कोई फायदा नहीं है. इससे बेटर है आराम से कोई मूवी देखो, यूट्यूब करो, नेटफ्लिक्स करो.
बट अगर आप जॉब कर लेना चाहते हो एंड इंग्लिश इज द ओनली प्रॉब्लम, ठीक है, इंग्लिश में श्योरिटी नहीं आती है, तो आई विल गिव यू द श्योरिटी, फॉरगेट अबाउट द मार्क्स, श्योरिटी, कॉन्फिडेंस, ठीक है, यू विल वॉक लाइक अ क्वीन एंड किंग, ठीक है, आई कैन गारंटी यू. बट यस, ऑफकोर्स यू हैव टू लाइक फॉलो माई कोर्स कंप्लीटली. एवरी वन, राहुल, स्निग्धा, ऑल दीज गाइज आर बैक. ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक ऑलवेज, हर सेशन में मैं बोलता रहता हूँ, और उसका वजह यह है कि देखो कितना बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है व्हाट्सअप एंड फेसबुक एंड कमेंट्स में भी कह रहा है कि सर SBI का हम क्या करें, SBI क्या करें. गाइज, स्टिल अभी भी टाइम है. मैंने प्लस कोर्स पे एक न्यू पैटर्न इंग्लिश का कोर्स बना दिया है, 20 लेसन्स एंड 40 आवर्स. गो प्लीज़ वॉच. अभी भी कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, आप आराम से 7-8 नंबर भी आपका तुरंत बढ़ जाएगा इतने टाइम में, गारंटेड बढ़ जाएगा, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आपने पहले भी कहीं कोई नहीं कोचिंग किया हुआ है. यू नीड दैट एक्स्ट्रा पुश, यू नीड द क्लैरिटी. माई कोर्स विल गिव यू द क्लैरिटी, द कॉन्फिडेंस. ओके, एंड अगर आप और कहीं भी जाओगे तो आपको टॉपिक मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, बट क्लैरिटी में बहुत प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज आपको पता नहीं होता ये टॉपिक उठाया कहाँ से है. ऑलराइट, चलो जिस ऑर्डर में पढ़ाता हूँ उस ऑर्डर में फॉलो करो, दैट्स इट. ओके, उर्मिला, आई थिंक इट्स योर फर्स्ट क्लास, राइट? ओके, सो सब्सक्राइब टू अनअकैडमी, 6 मंथ तक कर लो या 1 ईयर का कर लो, ठीक है. अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो 2 ईयर का कर लो, बहुत कम फीस है, ठीक है. अगर आप नोटिस करोगे, देखो 1 मंथ के लिए 4500, इन 4500 यू विल गेट द लाइक मोर देन 50 एजुकेटर्स एंड द टेस्ट सीरीज, द डाउट क्लास, एवरीथिंग. तो इट्स योर क्लासरूम, देन घर पे बैठो, सेट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट कीप वॉचिंग वीडियोज, मेकिंग नोट्स. कहीं ट्रैवल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, देखो. सो ये दीज आर द न्यू वेज ऑफ लर्निंग, अडेप्ट, नहीं तो आप डायनासोर बन जाओगे. प्लीज डोंट बी द डायनासोर. UPSC की प्रिपरेशन करने वाले, मैं दिल्ली में जब था, अभी राइट नाउ मैं किसी और सिटी में हूँ, तो व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो आई हैव सीन पीपल, क्या है कि वो डायनासोर बन जाते हैं, दे डोंट अपडेट देम सेल्फ, समझोगे कि नहीं, और एक्सटिंक्ट हो जाते हैं फिर जा करके. तो अपडेट योर सेल्फ कंप्लीटली, द बिल्कुल टू द पॉइंट, लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है एग्जाम्स का, उसको, सबसे बेस्ट ट्रिक्स क्या है उनको सीखो. ट्रेडिशनल तरीके अब नहीं काम आ रहे हैं, लाइफ हैज चेंज्ड कम्प्लीटली. आई नो यू आर लाइक यू आर विटनेसिंग दिस ड्रास्टिक चेंज इन आर डे टू डे लाइफ, इन कॉम्पिटिशन, इन आर थॉट्स, इन आर बिहेवियर, यू नो, इन आर लाइफ स्टाइल, हर जगह तो सब कुछ बदल गया है, ठीक है. सो प्लीज़, हर कोई जो सबसे बेस्ट चीज चल रही है उसको अडेप्ट कर लो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाओ. निशा यादव, मेरा डेली क्लास होता है फर्स्ट थिंग, एंड निशा आई हैव अ मैसेज फॉर यू. आप 3 काम करो. फर्स्ट, अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लो ये कूपन कोड लगा करके, पहला पॉइंट. यू विल डू अ फेवर योर सेल्फ, ट्रस्ट मी, आफ्टर 10 डेज यू विल थैंक मी. आई हैव द कॉन्फिडेंस यू विल थैंक मी. ओके, बिकॉज पेपर अच्छा गया आपका, इंग्लिश सेक्शन में कॉन्फिडेंस आ गया था. आपको सिर्फ 40 आवर्स नेक्स्ट 5 डेज में वॉच करने हैं, ठीक है ना, या 6 डेज 7 डेज में, जो भी रिमेनिंग डेज हैं, 8-9 डेज में. अभी भी आपके पास टाइम है, बाद में मत बोलना. देखो पता क्या होता है, फिर 1 साल बाद SBI आएगा, अभी IPS आ रहा है, चलो उसके लिए आप रेडी हो जाओगे, क्योंकि 3-4 महीने तो आप मुझे फॉलो करने वाले हो, दैट फॉर श्योर. तो मेक श्योर कि ऐसा पछताना बहुत बुरा होता है, एक बार एग्जाम मिस हो जाए तो 1 साल का पीछे चले जाते हैं हम लोग, ठीक है. तो देखो इसको वहाँ पे वॉच करो जाके 40 आवर्स, और मैंने यहाँ पे 30 आवर्स पढ़ा दिया यूट्यूब पे, ऑल दिस क्लास आर यूनिक, उनको फॉलो कर लो. और ग्रामर चल रहा है, न्यू पैटर्न चल रहा है, और वहाँ पे भी चल रहा है. तो बेसिकली 6 आवर्स आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, 10 डेज में यू कैन चेंज योर लाइफ, दैट्स इट. ओके, यस यस यस, ऑफकोर्स वो पेड चैनल है, 2 आवर्स का डेडिकेटेड क्लास होता है, वहाँ पे कंटेंट डिफरेंट होगा आपको, ट्रिक सेम होगी हमारी, और टीचर की सोच आपको मिल जाएगी, ठीक है. कोर्स पूरा करने वाले लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है गाइज, रिमेंबर, ठीक है. तुम लोगों को मोस्ट ऑफ 80% स्टूडेंट है ना इंडिया में मिसगाइडेड है, उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार क्लास कर लिया ना, वी आर डन, अब दोबारा खर्च नहीं करना है, ठीक है. प्लीज़ दिस इज, अगर कोई टीचर आपको पसंद है, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. जब 2 और 3 टाइम्स आप कंप्लीटली उसको पढ़ लोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के साथ में, अगर एक टीचर पसंद है तो उसी के साथ में 2-3 बार पढ़ लो, देन यू आर रेडी फॉर दिस. इफ़ यू थिंक एक बार आपने कोचिंग कर लिया है और हो जाएगा, नाउ यू आर मिसगाइडेड, मिस इन्फॉर्म्ड, और टाइम वेस्ट हो जाएगा 2-3 साल का, कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे. सो प्लीज़ राइट नाउ, अगर कोई आपको गाइड कर रहा है तो मान लो, एंड देन गो फॉर इट, ठीक है. YouTube पूरा वॉच करो, ठीक है, एंड देन प्लस वॉच करो, पैरेलल चलाओ. चलो ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग. ओके ओके, मैं अपना स्टार्ट करता हूँ, लोग आ गए हमारे पास में,
विनय सर आई एम योर प्लेयर. ओके विनय, आपने सब्सक्राइब कर लिया है, आप वहाँ पे वॉच करो सारे वीडियोस. दो क्लास हो गई, आज भी एक बहुत अच्छा क्लास है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, तो वॉच करना. निशा ओके, अमित योर बैक. ठीक है निशा यादव, आप पहले तो YouTube पूरा मेरा खत्म कर दो, ये YouTube मिस मत करना बिल्कुल भी. ऑल राइट चलो स्टार्ट करते हैं. गाइज गाइज गाइज, आज थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टोरी में. ठीक है, टॉपिक तो आपको सेम लग रहा होगा ये वाला, क्योंकि मैंने जो पहले पढ़ाया हुआ है. दोस्त गाइज हुआ रेगुलर है यार, तो उन्हें लग रहा होगा सर ये तो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है. नो 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 नो, देयर इज अ ट्विस्ट, कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई है. एग्जामिनर SBI RBI एंड SBI IPS इंश्योरेंस एग्जाम, दीज गाइज आर प्लेइंग विद अस एवरी टाइम, दिस सरप्राइज अस, धप्पा कर देते हैं वो लोग, सरप्राइज कर रहे हैं हमको. तो ठीक है, हम भी रेडी हैं फॉर सरप्राइज. तुम दो, हम नेक्स्ट क्लास में हम रेडी हो जाएंगे. तो एग्जामिनर जितना भागे जा रहा है, मैं भी उसके बराबर चल रहा हूँ. इनफैक्ट मेरी क्लासेस में आप आई कैन प्रॉमिस यू, मैं आपको SBI RBI इन सबसे दो कदम आगे ले जाऊँगा. जो लोग वहाँ से क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं ना, RBI SBI जहाँ से कॉपी कर रहे हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा. तो बेसिकली RBI SBI ने 5 साल पहले क्या पढ़ाया था, ठीक है, आई एम गोइंग टू टीच यू दैट राइट नाउ. ठीक है, द काइंड ऑफ क्वेश्चन आर बीन आस्क्ड, आई एम गोइंग टू टीच दैट, एंड देन किस तरह का वो पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड टाइप. जब जब कोई एक ऐसा वीडियो आए जिसमें लिखा हो ना एक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चंस, जरूर वॉच करना. ठीक है ना, जरूर वॉच करना. ऑल राइट ओके चलो मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, याद करना. चलो देखो, तो ये टॉपिक है हमारा सेंटेंस जंबल है. दोस गाइज हु आर फर्स्ट टाइम हेयर, उनके लिए मैं कहानी कह रहा हूँ. जो लोग पहले से आए थे, आप 5 मिनट के लिए फिर से रिवाइज कर लो क्विकली. ठीक है, जितनी बार कहानी सुन लोगे उतना ज़्यादा महाभारत और गीता आपको याद हो जाएगी. ठीक है ना, अब ये वही है मेरे पास, बस स्टोरीज है. तो देखो क्या होने वाला है, इमेजिनेशन यूज़ किया करो. वी हैव अ सेंटेंस ओके, एंड द पार्ट ऑफ, ठीक है, और दिस सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स. ऑल राइट नो प्रॉब्लम. ठीक है नाउ उसको करेक्टली करेक्ट ऑर्डर में लेके आना होता है. वी नीड टू फाइंड अ करेक्ट लॉजिकल एंड मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर फॉर दैट. तो ये तो था मेरा प्रीवियस क्लास. जो लोग फर्स्ट टाइम आए हों, प्रीवियस सेंटेंस जंबल पे, सेंटेंस जंबल पे प्रीवियस क्लास को जरूर वॉच करना. ठीक है, वहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो क्लैरिटी हो जाएगी. आज तो समझ में आएगा, और प्रैक्टिस के लिए दो सेशन और हैं. ठीक है, और जब भी आप देखो तो कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊँगा आपने देखा हुआ है. ऑल राइट अब मेरी बात सुनो, आज ट्विस्ट क्या है कि वी हैव अ सेंटेंस डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स. ओके दैट्स अ जनरल इन्फॉर्मेशन. द ट्विस्ट इज कि उनमें से एक ऑड वन आउट है. द वन पार्ट इज ऑड वन आउट. समझ गया, तो एक्चुअली कि वी आर गिवन अ सेंटेंस डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स. वन पार्ट इज पाकिस्तानी, द वन पार्ट इज टेररिस्ट, उसको ढूंढ के भगाना है, एंड देन रिमेनिंग को ऑर्डर में लेके आना है. बहुत ज़्यादा परेशान फील हो रहे हो, लग रहा होगा भाई यार क्या आने वाला है, न्यू पैटर्न परेशान कर देगा, थोड़ा फील हो रहा है ना, नर्वस फील कर रहे हो क्या? बट आई कैन टेल यू, तू एग्जामिनर कुछ भी कर, मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं, हम तब भी तोड़, हम इंडियंस हैं ना, हम जुगाड़ लगाता है, वी यूज़ जुगाड़. आई होप सबको पता है ना, हम इंडियंस को जुगाड़ क्या होता है. ठीक है, तो मेरी क्लास में मुझे ट्रिक्स नहीं बोलना चाहिए, जुगाड़ बोलना चाहिए. ठीक है, ट्रिक्स का हिंदी में जुगाड़ ही है. मैं ऐसे ही आपको जुगाड़ लगाऊंगा कि देखो 2 सेकंड में 4 सेकंड में 10 सेकंड में और 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा. जिस सेंटेंस को समझने में 2-2 मिनट लग सकते हैं, यू कैन सॉल्व विद इन सेकंड. डोंट बिलीव इट ना, अभी स्टार्ट करने वाला हूं. बट ऑलवेज रिमेंबर माई स्टोरी. मेरा सेशन के 15 मिनट में एक मोनोलॉग चलता है. मेरा मोनोलॉग का मीनिंग जानता है कितना लोग, मोनोलॉग का मीनिंग जानता है, कमेंट राइट नाउ. ठीक है, सो दिस मोनोलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, कहानी कैसे क्या होती है इंट्रोड्यूस कराता हूँ, कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बताता हूँ. तो फर्स्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट में तो चुटकियाँ हैं. फिर तो आप कहोगे सर सी, सर बी, सर डी, लेकिन इफ यू मिस्ड 15 मिनट्स नो वे, आप सोचते रह जाओगे और सेशन को बीच में छोड़ के भाग जाओगे और आप फिर लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. ठीक है ना, तो हैव पेशेंस और लिसन टू माई स्टोरी. चलो भाई अब सुनो, मैंने बोला हुआ है कि देखो व्हेनेवर देयर इज अ सेंटेंस ना, तो इन अ सेंटेंस देयर इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट यार, एवरीबॉडी नोज दैट. विदाउट सब्जेक्ट यू नो देयर इज नो सेंटेंस ना. ऑफकोर्स सिंगल वर्ड का वर्ब होता है गो, ठीक है ना, बट फिर भी एक नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है कि एक सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो वी विल, ठीक है ना, वी विल यूज दिस इन्फॉर्मेशन फॉर आर हेल्प.
हाउ बिकॉज देर आर फोर सेंटेंसेज लेकिन फोर पार्ट्स यहाँ पे प्रिपोजिशन लिखा है प्रिपोजिशन डू नॉट स्टार्ट अ सेंटेंस वर्ब लिखा हुआ है वर्ब्स डू नॉट स्टार्ट अ सेंटेंस राइट तो वी विल इलिमिनेट द ऑप्शंस एंड अच्छा सब्जेक्ट कौन होता है वॉट इज अ सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम द इम्पोर्टेंट वर्ड्स लाइक द हाईलाइटेड वर्ड द यूनाइटेड नेशंस द महात्मा गांधी जी जी समझे कि नहीं आमिर खान तो दीज आर द वर्ड ठीक है क्लाइमेट चेंज तो हैज तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट वेन एवर यू फाइंड आउट प्रॉपर नेम ना ओ अलर्ट हो जाना हे दिस कुड बी माई सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट मिल गया तो फिर ऑप्शन में जाना कौन सा वाला स्टार्ट कर रहा है और फिर एक बात बताओ सब्जेक्ट को वर्ब भी तो मिलता है ना भाई सब्जेक्ट इज अ किंग मैंने लास्ट क्लास में बोला था सब्जेक्ट इज लाइक अ किंग और किंग ऑलवेज नीड अ क्वीन पता है ना आपको मींस हर सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए तो जैसे सब्जेक्ट मिल जाए तो जैसे कहीं पर आपको वर्ब दिख रही ना इज अ मार वाज वर हैज अ बैड आईएनजी कुछ भी तो फट से लगा के देखो पेयरिंग हो गई ना तो ऑप्शन से मार देना उसको तो इलिमिनेशन भी यूज करेगा और हम लोग सब्जेक्ट वर्ब क्वीन और किंग भी खेलेगा राजा रानी का गेम खेलना है आर यू रेडी फॉर दैट ऑल राइट और सुनो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट वाली बात मैंने सब्जेक्ट वर्ब को तो डिस्कस कर लिया अपनी स्टोरी में आप बोल रहे हो सर ऑब्जेक्ट बेचारा अकेला फील कर रहा है ऑब्जेक्ट इज फीलिंग लेफ्ट आउट सर इसको भी इसका भी कहीं पैचअप करा दीजिए ये तो कपल बन गए दोनों ये बेचारा अकेला घूम रहा है ठीक है ना तो सुनो उसका भी डिस्कस कर लेते हैं अब ऑब्जेक्ट हमारा कहानी में कैसे काम आने वाला है लेसन ऑब्जेक्ट हम कैसे पता कर सकते कौन बताएगा पुराने लोग हैं जितने भी लोग बताओ हाउ डू वी फाइंड एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस क्विकली ठीक है ना क्विकली हाउ डू वी फाइंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस वी आस्क द वर्ब अ क्वेश्चन व्हाट एंड हुम ठीक है वर्ब से पूछेंगे व्हाट अगर कहीं पे लिखा हुआ किल्ड किल्ड व्हाट अ लाइन तो लाइन क्या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किल्ड हुम ठीक है ना किल्ड हुम तो प्राइम मिनिस्टर को मार दिया ठीक है हमारा नहीं पाकिस्तान वाले का समझ गया कि नहीं तो समझ गया कि नहीं तो जब हुम से वी विल आस्क अ क्वेश्चन टू द वर्ब व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम से आंसर आया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो एक्चुअली कहीं वर्ब लिखी हुई है तो हम वर्ब से पूछेंगे व्हाट आर हुम और व्हाट आर हुम अगर कुछ दे रहा है तो वो वाला ऑप्शन उसके पास में आ जाएगा तो सब्जेक्ट ने वर्ब से दोस्ती करी और वर्ब कहेगा कि वर्ब बोलेगा ऑब्जेक्ट को तू मेरे पास आ जा अब समझ गए ये वाला ट्रिक प्रीपोजिशन ट्रिक रूल्ड आउट वर्ब लिखा है रूल्ड आउट प्रोनाउन का हेल्प सुनो प्रोनाउन का कि व्हेनेवर एक सेंटेंस लिखा है सेंटेंस में प्रोनाउन लिखा हुआ है तो समझ जाना यार ये दिस पार्ट कैन नॉट बी ओपनिंग पार्ट बिकॉज प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स तो ये कुछ स्मॉल ऑब्जर्वेशंस हैं ठीक है और पेयर्स बनाएंगे आओ स्टार्ट करते हैं क्विकली हाँ अंकिता समझ गए ना वर्ब से पूछ भाई तेरा ऑब्जेक्ट कहाँ घूम रहा है इधर आ ठीक है चलो आओ गाइज जो लोग फर्स्ट टाइम है उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी के बच्चे तो दे आर कंफर्टेबल ये लोग आराम से मूंगफली चब रहे हैं और खा रहे हैं घर पे उन्हें पता है कि सर क्या होने वाला क्वेश्चन आएंगे और आई कैन गारंटी ये लोग सेकंड्स में लगा देंगे तो लुक फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कोर्स याद रखना क्या है एक सेंटेंस आने वाला है उसके पांच टुकड़े हो रखे हैं देन सर्च फॉर द वर्ब लुक फॉर द फिक्स्ड प्रीपोजिशन पता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन लुक आफ्टर टेक आफ्टर लुक इनटू इंटर इनटू आई नो कि अगर कहीं पर इंटर लिखा है और इंटर इज फॉलोड बाई इनटू तो दीज टू पार्ट्स विल कम टूगेदर नो बिग डील इतना क्या दिमाग लगाना कोई बच्चा भी जानता है फिफ्थ क्लास का समझ गया ओके लुक फॉर पेयर कंजक्शन आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड दीज पेयर्स आर ऑलवेज यूज इन पेयर्स दीज कंजक्शंस आर ऑलवेज यूज इन पेयर्स दैट मीन्स आई थिंक आप समझ गया आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन डन ओके इलिमिनेट द ऑप्शंस ऑफकोर्स यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द ऑप्शंस एज वेल ये भी हम कर सकते हैं ठीक है और ये देखो आस्क द वर्ब व्हाट और हुम आपको समझ में आ गया है मैक मैंडेटरी पेयर्स गाइज दिस इज द डायरेक्शन फॉर टुडेज क्वेश्चंस अभी बस दो मिनट और दो स्टार्ट करने वाला हूं दिस इज द डायरेक्शन प्लीज रीड द डायरेक्शन केयरफुली वैसे मैं आपने समझा दिया है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू वी हैव अ सेंटेंस and divided in my five parts okay and one part is pakistani the odd one out theek hai na okay then the remaining four bachega na make a proper sentence make a meaningful sentence grammatically correct sentence ab aap log kya karoge ekdam ek acche bacche ki tarah aap kya karega okay sir theek hai aap ekdam acha bachcha banke baitha hai bolega sir pehle hum odd one out dhoondenge aaram se izzat se fir hum bache hue logon ko order mein leke aayenge
मैं वो कुछ नहीं करने वाला, मैंने बोला था ना जुगाड़ करने वाला ही, हम सेकंड्स में मारेगा, सेकंड्स में आओ भाई। ऑल राइट, तो रीड करो प्लीज क्विकली, रीड एवरीवन, रीड बिलो इन ईच क्वेश्चन सम फ्रेज आर गिवन, फाइंड द फ्रेज विच इज नॉट रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मेन थीम ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना, ऑड फ्रेज, एंड देन रीअरेंज द रिमेनिंग फ्रेज टू मेक अ कोहेरेंट सेंटेंस, कोहेरेंट सेंटेंस बनाना है सिंगल। इफ द गिवन फ्रेज आर करेक्ट द ऑर्डर एज इट इज देन चूज ऑप्शन ए, ठीक है, अगर जो दिया हुआ सेंटेंस है ना टुकड़े, अगर वो करेक्ट है पूरा तो ई लगा दो, इफ ऑल द पार्ट्स आर लॉजिकली सीक्वेंस्ड देन ई लगा देना, बट इफ द करेक्ट सीक्वेंस इज द वन विच इज नॉट गिवन, और एक करेक्ट सीक्वेंस ऐसा बनेगा जो यहां पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो फिर डी लगाना। डायरेक्शन क्लियर यहां तक बता दो, सर वी आर रेडी नाउ, लेट्स गो फॉर इट, जस्ट टाइप रेडी, हैव यू अंडरस्टूड माई स्टोरी द मोनोलॉग, हैव यू अंडरस्टूड इट, आई थिंक आपको समझ में आ गया, ऑफ कोर्स मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। तो देखो गाइज, हाउ टू फाइंड ऑड पार्ट, अब सुनो सुनो, एक काम करते हैं, ऑड पार्ट ढूंढा बताता हूँ, मैंने ऑड सेंटेंस आउट की बहुत ऑसम ट्रिक्स मैंने बता रखी है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द ऑड सेंटेंस आउट इन अ पैराग्राफ, प्लीज गो वॉच दैट वीडियो, इनिशियल 20 वीडियोज जो मैंने बना दिए लगभग न्यू पैटर्न इंग्लिश, प्लीज वॉच दैम, दोज आर द जेम्स फॉर यू, एंड यू विल थैंक मी लेटर, एंड यू विल थैंक योर सेल्फ लेटर कि तुमने ट्राई किया, जाके वॉच किया, ठीक है ना, वो लास्ट 20 डेज से जो मैं पढ़ा रहा हूं, प्लीज गो एंड वॉच। ऑल राइट, तो हाउ टू फाइंड ऑड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इलिमिनेशन करने करना है, देखो थीम, आई हैव अ सेंटेंस एंड ऑल द देर आर फाइव पार्ट, फोर पार्ट इज टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, एंड देन आउट ऑफ वेयर वन इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आई एम सॉरी रूल्ड आउट, द थीम शुड नॉट चेंज, ऑल द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस शुड हैव द सेम मीनिंग, सेम फैमिली, ओके वी विल रूल आउट, फाइंड द टोन, ठीक है, इफ वन पार्ट इज निगेटिव एंड द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर पॉजिटिव, टोन हैज चेंज्ड, वी विल रूल आउट। स्केल, माई ओल्ड स्टूडेंट नो वॉट इज स्केल मीन्स, सपोज द फोकस ऑफ द राइटर इज ऑन इंडिया लेवल, इंडिया लेवल प्रॉब्लम्स, बट वन सेंटेंस पार्ट इज टॉकिंग अबाउट लाइक दिल्ली ओनली, तो दिल्ली इज अ स्मॉल स्केल, इंडिया इज लार्ज स्केल, समझ गया, स्केल शुड नॉट चेंज, एंड देन डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मीन्स टू चेंज द स्टोरी टू से समथिंग एल्स, मैं आपको बोलूँ कि देर इज अ टीचर, आप बोलते हो आज हमने देर वॉज अ टीचर एंड देर वॉज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एंड यूज टू लिव इन दिल्ली, आपने बोला टीचर ऑफ इंग्लिश बट मुंबई बोल दिया, डिस्टोर्सन कर दिया, यू चेंज द स्टोरी, दैट इज वॉट डिस्टोर्सन इज कॉल्ड, ओके, इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, वी विल इलिमिनेट द इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, चलो ओके, अबीब सा बहरा, ओके आप पुराना भी देखना, ओके गाइज, नाउ इट इज टाइम टू रॉक ऑन, आर यू रेडी टू रॉक ऑन, ओके एंड ठीक है, और प्लीज़ ये शेयर कर दिया करो 30, 20, 100 पीपल ऑन योर फेसबुक, ऑन योर व्हाट्सअप, हर जगह कर दो, आपका बेनिफिट हो रहा है, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट एवरीवन नो, ओके दैट इज़ हाउ गुडनेस चलता है, एटलीस्ट हम लोग हिंदू मुस्लिम वाले कैट वीडियोज़ बेकार के तो बहुत शेयर कर देते हैं, ठीक है, बीजेपी कांग्रेस वाले, ठीक है, कुछ अच्छा चल रहा है तो वो भी करना चाहिए ना, व्हाट डू यू थिंक, एग्री करते हो क्या, ठीक है, हर जगह अपने फेसबुक पे, हर जगह आप इसको शेयर कर दो, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई विल गिव यू द टाइम एंड देन मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा कि सेकंड्स में कैसे हो सकता था, नाउ लेट्स गो फॉर इट, द स्टिमुलाई टू क्रिएट आउटसाइड, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इम्परमानेंस एज अ रियलिटी, द विटनेस एंड द ईगो इज बिकॉज वी हैव स्टिल नॉट बिकम स्टिल रनिंग द शो, कुछ पता नहीं चला, एक सिंगल सेंटेंस हैज बीन डिवाइड इन फाइव पार्ट एंड द वन इज पाकिस्तानी, देख रहे हो आप ऑप्शन ईडीएसई, मतलब देर आर ओनली फोर ऑप्शन करेक्ट, वन इज पाकिस्तानी, वन इज ऑट बिन आउट, अरुण कुमार आप दिल्ली में हो, ऑसम, मैं दिल्ली में कहाँ पे हो, मुखर्जी नगर या फिर लक्ष्मी नगर, गांधी विहार, वजीराबाद, ऑल राइट, कुछ पता चला क्या आंसर है, स्नेक धाने लगाया,
ए, सब लोग ए लगा रहे हैं, ओके। अब पता है क्या है, वेन एवर यू नोटिस अ सब्जेक्ट ना, उसको पकड़ लो। तो पता है आपके, आपने आपने कुछ ऐसा देखा, कोई एक ऐसा रोबोट, चिंटी रोबोट की मैंने पहले ही बात की थी, कई बार मूवीज में क्या दिखाते हैं, एक रोबोट के हाथ में कई सारे हैंड्स होते हैं और एक हाथ से वो गन चला रहा है, एक से नाइफ चाकू चला रहा है, एंड ठीक है डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स यूज कर रहा है। आप भी अपने दिमाग में सेम काम किया करो। कैसे, अपने दिमाग में ये चलाओ कि मतलब कोई वर्ब प्रीपोजिशन है क्या, स्टार्ट नहीं करेगा, यहाँ सब्जेक्ट है तो स्टार्ट भी करेगा, और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है यहाँ पे वर्ब लिखा है तो वो साथ में जाएगा, वर्ब ऑब्जेक्ट जाएगा, एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन चलाया करो, तो विद इन सेकेंड आपका दिमाग सब एनालाइज कर देगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा सा ऑब्जर्वेशन करना है आपके। ओके ओके, आई नो गोपालपुर, आई हैव बीन देयर एक्चुअली। ऑल राइट, तो देखो सुनो, द स्टिमुलाई टू क्रिएट आउटसाइड, वी आर नॉट रेडी, वी जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट बनता है भाई, दैट वी नो दिस। ओके लेट्स फाइंड आउट, वी से कितना स्टार्ट हो रहा है, एक ये स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ठीक है ना। कितने सेकंड में किया था स्निग्धा ने, स्निग्धा पटनाई, क्या नाम है आपका, आई वॉन्ट टू नो कि 2 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, आई डोंट नो, बोलो भाई। हम ऑप्शन भी यूज करेगा, अपनी ट्रिक्स भी यूज करेगा और सेकंड्स में आंसर मारेगा। हम SBI क्या नाम है, क्लर्क अगर हमारा 40 क्वेश्चन हम मार देगा लाइक 20 मिनट्स में, 25 मिनट्स में, इफ यू फॉलो माई अप्रोच, डोंट बिलीव इट ना, वॉच ऑल माई वीडियोज, प्लस सब्सक्राइब करो एंड ये सब्सक्राइब करो, ठीक है। यू हैव टू, एक क्लास से नहीं होगा बॉस, एक क्लास में तुम इम्प्रेस तो हो जाएगा बट एक क्लास में रिजल्ट नहीं आएगा। मुझे पता है भाई, मेरी ही ट्रिक्स हैं और मुझे पता है कि इन ट्रिक्स को अपने अंदर समाने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक। ओके एंड गाइज, हाँ जो लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो देखो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इंग्लिश बाई नरेन सर, NARN, नरेन, फुल नेम तो नरेंद्र है बट NARN शॉर्ट फॉर्म, सो व्हाट डू यू, समझ गया ना। तो टेलीग्राम पे सर्च इंग्लिश बाई नरेन सर, यू विल फाइंड अ ग्रुप विद दिस डीपी अनअकेडमी टी शर्ट, ओके, सब्सक्राइब ज्वाइन कर लो उसको, वहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट करो और PDF, और उसमें थोड़ा इशू आ रहा है मुझे पोस्ट करने में, आई विल फिगर आउट वेरी सून, आई विल शेयर ऑल द स्टडी मटेरियल, इंग्लिश बाई नरेन सर सारे दोस्तों को बता दो, ठीक है। बाकी के जो आप ग्रुप्स में हो ना, वहाँ पर भी लिंक्स डाल दो, आप ही लोग करोगे सब कुछ। ओके तितली, ओके तितली आपका आंसर था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्शियसनेस दैट वी एक्सपीरियंस बिफोर डाइटी वॉज ओनली एन एक्सक्यूज, द चेंज दैट ऑकर्ड इन आर कॉन्शियस और द अल्टर्ड स्टेट ऑफ, वी हैव टू एक्नोलेज दैट, आई थिंक ये भी लोगों ने कर दिया, ठीक है, वी हैव टू एक्नोलेज दैट, ये बी दिख रहा है, बी द सब्जेक्ट पार्ट, देखो ये तो, ये वाला तो रूल आउट हो गया, बी वाला स्टार्ट नहीं कर सकता, ये हो सकता है डी, नो 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 नो, हाँ ये और ये वाला हो सकता है इनमें से, क्योंकि ये डी से स्टार्ट कर रहा है और ये वाला डी से स्टार्ट कर रहा है, तो चलो चेक कर लेते हैं। वी हैव टू एक्नोलेज दैट, दैट क्या एक्नोलेज करना है, द चेंज दैट ऑकर्ड इन आर कॉन्शियसनेस, आवर कॉन्शियसनेस, आवर कॉन्शियसनेस, ओके बताओ क्या करेक्ट आंसर है, अरे कुछ लोग गलत कर रहे हैं भाई, क्यों गलत कर रहे हो, वी हैव टू, अरे सब्जेक्ट लुक, राजा जो होता है ना क्विंग पहली सीट पे बैठता है, द किंग ऑलवेज यू नो सिट्स ऑन द फर्स्ट बेंच, फर्स्ट वाले पे, मॉनिटर क्लास का हमेशा पहली क्लास में बैठता था ना, एकदम बड़ा अलर्ट होकर के, सबसे एक्साइटेड होकर के, तो हमारा सब्जेक्ट भी फर्स्ट में बैठेगा, पीछे मत ले जाओ, आओ भाई, अब क्लियर हो गया, इज इट क्लियर, अगर आप है ना ये वी हैव टू पकड़ लेता तो ये कितने सेकंड का था बताओ भाई, क्विकली, हमने बी रूल आउट वन ऑप्शन ना, ऑल राइट नेक्स्ट, सो डी बी सी ए करेक्ट आंसर है, देखो डी के साथ में ई नहीं जाएगा, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स डिस्कस, वी हैव टू एक्नोलेज दैट द ईगो लूजेस इट्स लिमिटेशंस, ओके लिमिटेशंस कौन सी, तो देखो ना फिर ई के साथ में बी नहीं जा रहा, ई के साथ में भी गलत हो रहा है, ऑल राइट ओके ओके बिल्ला यू आर बैक,
आपका फ्रेंड कहाँ है? सुभाष्मिता पत्रा ने क्या लिखा है? डीबीसीए। ऑसम सुबह, ऑसम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरे को खत्म, देखो मुझे तो आंसर चाहिए यार, लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऑड बन आउट कैसे ढूंढ सकते थे। हम तो चीटिंग कर रहे हैं, मैं भी चीटिंग करता हूं और मैं आपको चीटिंग करना सिखाता हूं। मैंने बोला था ना मैं आपकी आदतें बिगाड़ूंगा, लेकिन ये लाइफ, ये इस दुनिया में पहली ऐसी चीटिंग है, ठीक है, द वन ऑफ इट्स काइंड, जो कि बहुत वेलकम है एंड मच अप्रिशिएटेड। ये ऐसी चीटिंग है कि तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर दो। एग्जामिनर हमें ऑड बन आउट दे रहा, मैं कह रहा आई डोंट केयर, तुम ऑड बन आउट नहीं, तुम एक काम करो इसमें गोला एक बम भर दो, न्यूक्लियर बम रख दो यहाँ पे, मुझे वो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नरेंद्र सर का जो ट्रिक्स है ना वो न्यूक्लियर बम से भी बेस्ट है, ठीक है। न्यूक्लियर बम भी फ्यूज हो जाएगा, बिकॉज हम उसको भाव ही नहीं देगा, हम तो ऑप्शन देखेगा, अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब, अपना प्रपोजिशन को लगाएगा और 10 सेकंड में आंसर मार देगा, ठीक है। तो कितना भी डेंजरस बात लिखी रहे बीच में, वी डू नॉट सिंपली केयर, वी सिंपली डू नॉट केयर। ओके चलो, ओके चलो, गो फॉर इट। दैट विच इज टेंजिबल एंड विच इज बाउंड टू पेरिश, पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय, वी ट्रेड लाइन, ठीक है, एंड डिवोशन नेवर फिक्सेटिंग ऑन द सीकर ऑफ द ट्रूथ ट्रेड्स ऑन द पाथ ऑफ लव। अब देखो बहुत एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक लग रहा है, फर्स्ट प्लीज रीड न्यूज़पेपर डेली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन्फॉर्मेशन। एब्स्ट्रैक्ट माइंड, बॉडी, यू नो, माइंड, स्पिरिचुअलिटी एंड द स्पेस, दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, प्लीज रीड दैम सो दैट यू आर कंफर्टेबल। नाउ वॉट इज द आंसर? अरुण, दीज आर द बैंकिंग क्वेश्चंस, आई थिंक यू आर नॉट अपडेटेड, बैंकिंग में पूछा गया है, ओके बैंकिंग में। और फिर देखो एसएससी बैंकिंग नहीं पढ़ा था, प्लीज मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, आई हेल्प यू विद इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, विद ऑल इन कंप्लीट रेस्पेक्ट्स। सो रिमेंबर मैं इंग्लिश का प्रिपरेशन करा रहा हूँ, अब वो एसएससी बैंक कैट या कुछ भी करके आ जाओ, ठीक है। आप लोग गलत करते हो कि सर हम तो एसएससी वाले हैं, अरे मैं तुमको 5-6 टॉपिक एसएससी के ऐसे हैं जिनका रेलिवेंस बैंकिंग में है, तो अगर मैं बैंकिंग एसएससी के लूँ ना इंडिया पाकिस्तान, गलत हो जाएगा भाई, प्लीज अपना सोच को सही करो। आप इंग्लिश सीख जाएगा ना उस दिन एग्जाम करेगा, बैंकिंग पढ़ाने के चक्कर में एसएससी का टॉपिक नहीं पढ़ाते लोग, तुम बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर जाते हो। क्या कर जाते हो? आने वाली वीडियो में आना, जिस दिन मैं बॉयज की एरर पढ़ाऊंगा ना, एक्टिव पैसिव एरर्स एंड डायरेक्ट एंड एरर्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट एरर्स है ना कि आपके 50% एरर सही कर देगा। नो डोंट बिलीव ना, नेक्स्ट सेशन में आना आप लोग, 2-4 सेशन में। ओके सो लेट्स फाइंड आउट कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखो दिस रूल्ड आउट, मतलब सी कैन नॉट बी, सी है कहीं पे ना, सी तो है ही नहीं हमारे पास में, ई और ए है, चलो ई को देखते हैं। ट्रेड्स ऑन द पाथ ऑफ लव, ये वर्ब है, ट्रेड्स फॉलो करना, ये वर्ब है, रूल्ड आउट, ई रूल्ड आउट, ई कहाँ पे, दिस रूल्ड आउट। ओके ए, दैट विच इज टेंजिबल एंड विच इज बाउंड टू पेरिश, ऑल्सो रूल्ड आउट, ठीक है। डी, द सीकर ऑफ ट्रूथ, द सब्जेक्ट, सीकर द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर, द सीकर मीन्स द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर ट्रूथ, द सब्जेक्ट। एवरीवन गॉट इट राइट, ऑसम, ठीक है, तालियां बजता रहना चाहिए सबके लिए, तालियां बजता रहनी चाहिए, क्लैप फॉर योर सेल्फ। ओके बिल्ला बहुत फास्ट भाग रहा है भाई, ओके बिल्ला दिस इज चीटिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड दैट द मूवमेंट्स इनसाइड एन एटम वर, ठीक है ना, और मूवमेंट्स के लिए वर आया हुआ है, तो आई थिंक बिल्ला गॉट इट राइट, ठीक है बिल्ला यू आर द, ठीक है यू गॉट इट राइट। ओके तो अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड दैट द मूवमेंट्स इनसाइड एन एटम वर टोटली डिफरेंट व्हेन ही वाज वॉचिंग देम फ्रॉम व्हेन ही वाज नॉट, जब वो वॉच कर रहा था एटम के अंदर और जब वॉच नहीं कर रहा था, द मूवमेंट वर डिफरेंट। करेक्ट स्टोरी, no improvement required in the sentence, everything is logical, everything coherent, everything makes sense, all right. Arun, you are not updated right now, in the last 6 months or last 1 year mein such questions have been asked, okay, so do not worry about SSC or anything, if you think then you can leave the session. If you think you are wasting your time, just leave the session. Do not worry. Okay? Banking में बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, आपको अवेयरनेस भी नहीं है,
ऑल राइट, दिस इज वन ऑफ द टाइप. अगर आपको बैंकिंग का करना है, गो वॉच माई पैराग्राफ कंप्लीशन, समरी ऑफ द पैराग्राफ, पैरा जम्बल्स, इन्फ्रेंस एंड दोज क्वेश्चंस. तुमने कभी सुना भी नहीं होगा एंड यू कैन सॉल्व देम विद इन सेकेंड्स. ओके, अगर आपको लगता है कि आप ये सब जानते हो तो यू कैन लीव द सेशन एंड वॉच समथिंग यूजफुल. मेरे पास है यूजफुल, उसको वॉच करो. ऑल राइट, नेक्स्ट. विद सफरिंग दैट इज सो परवेसिव, परवेसिव मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर एंड अक्रॉस स्पेसीज. एक्चुअली द थिंग इज, मैं बताता हूँ, अगर मैं आपको बताया नहीं होता ना कि इसमें एक ऑड मैन आउट भी है, आप बहुत परेशान हो जाते. आपको मैं ट्रिक्स बता दिया इसलिए बहुत ईजी लग रहा है. ये बच्चे लोग दो सेकेंड में कर रहा है ना, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत ईजी पार्ट है. जब ऑड मैन आउट होता है और लैंग्वेज इज एबस्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट इवन इंटरप्रेट द लैंग्वेज, तो पता चल जाएगा आपको कितना डिफिकल्ट हो सकता है. अब मैंने ईजी बना दिया, आपको इसको लग रहा है कि सर ये तो दो क्लास के बच्चे का है. वो दो क्लास का मैंने बनाया है, ध्यान रखो, डिफरेंस समझ भाई. ठीक है, चलो फाइव नंबर. विद सफरिंग दैट इज सो परवेसिव एंड अक्रॉस स्पीसीज. ठीक है, बी वाला तो स्टार्ट कर नहीं सकता, एंड लगा ना. ऑलराइट, हायर प्लेटफॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इट इनगल्फ द. ठीक है, डी बी स्टार्ट नहीं करता, डी से कोई ऑप्शन ही नहीं. हमारे पास में क्या है, सी एंड देन वी हैव ई. ई को पढ़ते, ऑल लाइफ इज इम्ब्यूड. इम्ब्यूड एन एक्टिविटी जो इमोशन देता है हमको. तो ऑल लाइफ, लाइफ इज सब्जेक्ट एक्चुअली, ऑल लाइफ इज इम्ब्यूड. इसको देखो, ई यू बेद, इम्ब्यूड बेद. दीज आर द फिक्स्ड प्रीपोजिशन. रिमेंबर, मेमोराइज ऑल द फिक्स्ड प्रीपोजिशन सो दैट इवन ईजिली फाइंड आउट. मुझे पता है इम्ब्यूड बेद होता है, तो मैं इसको तुरंत लगा दूंगा, और आपको नहीं पता तो आप भटकता रहेगा. तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आफ्टर द सेशन. ठीक है, टेक्स्ट मी, आई विल गिव यू द PDF, अदरवाइज ऑन गूगल सर्च इट, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस. ऑलराइट, तो ई एंड ए, दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ऑल लाइफ इज इम्ब्यूड विद सफरिंग दैट इज सो परवेसिव. परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, परवेसिव. ठीक है, दैट इट इनगल्फ्स द इंटायर प्लानेट एंड अक्रॉस स्पीसीज. इंटायर प्लानेट एंड अक्रॉस स्पीसीज. क्वेश्चन नंबर फाइव क्लियर, एनी डाउट? सुभाष्मिता करेक्ट आंसर. अमृता, किरणमय जय, दोज गाइज हु आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम, ठीक है, आई हैव अ मैसेज फॉर यू, गो एंड वॉच ऑल माई प्रीवियस वीडियोज. ठीक है, फॉर एस बी आई एग्जाम एंड देन इफ यू आर एमिंग फॉर IUPS ना, दिस कैन वीडियोज, दिस लाइक वी हैव टू स्लॉट्स, 12 to 1 PM एंड देन 9 to 10 इन द इवनिंग. दिस इज कंप्लीट फॉर यू, यू डोंट हैव टू आस्क. ठीक है, लुक फॉर एनीथिंग एल्स, नो बुक्स, ओनली टेस्ट सीरीज एंड माई क्लासेस, ऑल माई क्लासेज एंड टेस्ट सीरीज, दैट्स इट. ओके, सुदीप मनोहर. ओके सुदीप मनोहर, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, इंग्लिश वाई नरेन सर, इंग्लिश वाई नरेन, NARN नरेन सर. ठीक है, ज्वाइन माई टेलीग्राम, आई शेयर देयर. ओके नेक्स्ट, बट रिमेंबर, जब तक नहीं मिल जाता कोई की वजह से, सर्च ऑन गूगल फिक्स्ड प्रीपोजिशन बैंकिंग में बहुत हेल्प करता है. व्हेन वन इज अवेयर, अवेयर ऑफ होता है ना भाई, ये तो बच्चों वाला है. आई थिंक सबने कर दिया, राजा लक्ष्मी एंड उर्मिला. उर्मिला आई थिंक इट्स योर फर्स्ट क्लास, राइट? यस, रीडिंग कॉम्प्रिशन वेरी सून. ओके ठीक है, कीप वॉचिंग मी लाइव एवरी डे, यू विल गेट एवरीथिंग. रिमेंबर, मैंने RC से शुरुआत नहीं करी, RC को बताने के लिए मुझे कम से कम 10-12 कहानियां आपको सिखानी थी. दोज गाइज जिन्होंने मेरे लास्ट 30 वीडियोस देखे हुए हैं, दे हैव अंडरस्टूड माई वे ऑफ थिंकिंग. उनको RC पढ़ाऊंगा, वो चुटकियों में लगा के आएंगे. कितना भी डिफिकल्ट RC आ जाए, आप कभी फेल नहीं हो सकता. लेकिन अगर आपने मेरा पहला क्लास RC करने आओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द टोन, द स्कोप, द इररिलेवेंट. ओके, ये दिस थिंग कीवर्ड्स आप कभी नहीं समझ पाओगे. इसलिए अगर आप RC सीखना चाहते हो, ए क्लोज टेस्ट या कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वॉच ऑल माय प्रीवियस वीडियोस, देन कम. एक कहानी, मैं आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आपको मैं ब्रेन वॉश कर रहा हूँ. ठीक है,
चलो ब्रेन वॉश कर रहा हूँ, ब्रेन वॉश करने के लिए रेडी हो जाओ, अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाओ, टीचर को बिलीव कर लेना चाहिए, क्योंकि टीचर ने कुछ ट्रिक्स बनाई होती हैं, वो फुल प्रूफ हैं और एक्सपीरियंस होता है, और आप एज ए स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपकी लिमिटेशन है, ठीक है, और उसमें भी अगर ईगो रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ईगो को तो बिल्कुल ही हटा दो, एक तो हम फेल हो रहा होता है और ऊपर से हम ईगो भी रखे, सोचो हम कितना मिजरेबल कंडीशन में है। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। ऑल राइट, सिक्स नंबर आई थिंक हो गया हमारा। व्हेन वन इज अवेयर ऑफ द ट्रांजिटरी नेचर नेचर ऑफ लाइफ, सफरिंग कैन बी एक्सेप्टेड, कैन बी एक्सेप्टेड, कैन बी वी थ्री थर्ड फॉर्म। ऑल राइट, एज अ प्रीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल का मीनिंग कोई बता सकता है? एंशियंट, एंशियंट टाइम ऑफ नेचर, आई थिंक करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्विकली क्वेश्चन नंबर सेवन। बट द ट्रू चैलेंज बिगिंस, ओके चलो ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। देखो कुछ लोग इसको इजी समझ रहा है, इसमें एक ऑडबन वाउट भी है, मैं ऑडबन वाउट को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, मैं आई एम यूजिंग द ऑप्शंस एंड आई एम यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन, ठीक है। ऑल राइट, ओके, इट इज ईजी टू, इट इज ईजी टू, इट हमारा यहां पे देखो सब्जेक्ट बन के आया, डमी सब्जेक्ट बन के आया है। इट इज ईजी टू, टू कहां आ रहा है? चलो इट इज ईजी टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वॉट, इज इट ईजी टू एक्सेप्ट, बताओ क्या जा रहा है हमारे साथ में, कौन सा ऑप्शन आपने लगाया है? सी हो गया, सी के बाद में देखो, हाँ तो फिर ये नहीं जा सकता और ये भी नहीं जा सकता, फिर तो ये करेक्ट हुआ ना, मैं तो बेवजह सोच रहा था। वेन यू आर श्योर ना कि हे दिस पार्ट इज द ओपनिंग वन, ठीक है, तो ज्यादा सोच नहीं है, मैं भी एक्स्ट्रा सोच रहा था, एक ही तो ऑप्शन है भाई, ठीक है। क्विक इस, ठीक है ना, इन ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स स्पीड एंड एक्यूरेसी, और इन माई क्लासेस यू विल गेट बोथ, ठीक है ना। एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है लोगों को, बट अगेन बोला है ना, सिंपल टॉपिक भी पढ़ाना है और डिफिकल्ट भी पढ़ाना है। पैराग्राफ कंप्लीशन, समरी ऑफ द पैराग्राफ, ऑड बन आउट, पैरा जंबल्स, ठीक है, इन्फ्रेंस एंड स्टेटमेंट क्वेश्चन, दीज आर द फ्रेज कनेक्टर, दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मेन्स एग्जाम, एस बी आई मेन्स, क्लर्क और पी ओ, आई पी एस एंड आर बी आई एंड द इंश्योरेंस एग्जाम, ठीक है। वॉच दिस सेशन, यू विल डेफिनेटली सॉल्व। जो लोग यहाँ पे एस बी आई वाले बैठे हैं ना राइट नाउ, मेरे 30 आवर्स ही वॉच कर दो, अनअकेडमी प्लस लेटर ऑन सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी नहीं कर पा रहे हो, मैं तो कहूँगा अभी कर लो, नरेंद्र लाइव कूपन कोड लगा देना, नहीं तो इनको 30 को वॉच कर लो, ठीक है ना। आपकी सक्सेस स्टोरी इज माई सक्सेस स्टोरी एज वेल एक्चुअली, अगर मेरा ट्रिक से आपका काम हो जाता है। चलो नेक्स्ट, एट नंबर, अभिपसा ने एट भी कर दिया, एट नंबर ट्राई करो, एट नंबर क्विकली, इन ऑर्डर टू विटनेस द फर्स्ट थिंग, ओके, आर परसेप्शन एंड इवन बाय आर ओन डिजायर्स, इट वुड ऑल्सो, इट वुड ऑल्सो, सी तो नहीं होगा भाई, सो तो सी से कोई है नहीं, ई डी और ई डी ए, मैं डी पढ़ता हूं, वी नीड टू रियलाइज इज दैट मोस्ट ऑफ आर थॉट आर, ये कौन है ई वाला, आर और फिर ई लगाओ, ई के साथ में सी, मोस्ट ऑफ थॉट्स आर, इट वुड, नो 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 नो, ए कितने लोगों को समझ में आया कि अगर हम यहां पर से पूछे वी नीड टू रियलाइज इज दैट मोस्ट ऑफ आर थॉट्स आर, और आर के बाद में पता है क्या जाएगा, ये वाला, तो ये तो गलत हो गया ना बॉस, ठीक है ना, ये वाला तो कॉम्बिनेशन गलत हो गया, दिस कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग एक्चुअली, दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड ए एंड डी, नाउ लेट्स रीड डी, कलर्ड बाई, डी कैन नॉट बी ओपनिंग सेंटेंस, डी कैन नॉट बी ओपनिंग सेंटेंस भाई, देखो डी, कलर्ड बाई आर ओन पास्ट एक्सपीरियंसिस, फियर्स, एंग्जाइटीज, वॉट कलर्ड, डू यू हैव एनी आइडिया वॉट कलर्ड, द ओपनिंग पार्ट शुड बी इंट्रोडक्टरी, ओके, नॉट सम रैंडम थॉट, यस गाइज, ओके,
Hembrom. Okay, chalo. So only this one is correct answer actually. See, A, in order to witness the first thing we need to do. Suno. In order to score maximum marks in English, we need to follow Narin sir's class, and then we need to read a newspaper daily, and then we need to practice mock test. Theek hai na? Sure shot formula de raha hu main. कोई भी चैनल कोई भी क्लासरूम आपको नहीं दे सकता. मैं श्योर शॉट बताऊंगा. इफ़ यू रीड डेली 2 आवर्स, इफ़ यू फॉलो माय क्लासेस 3 to 4 आवर्स एवरी डे, पुराना और नया डेली का, एंड देन इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर एंड डू दिस फॉर 3 to 4 मंथ, ठीक है. इफ़ अगर आपका पहले से क्लास नहीं किया हुआ तो 3 to 4 मंथ्स लगेगा मेरी सारी कहानियाँ सुनने में, एंड अगर आप बिगिनर हो तो 6 मंथ, दैट्स इट. एंड दैट्स वाई अनअकैडमी प्लस भी है और ये भी है, ये गारंटेड चीज़ है. नाउ चॉइस इज योर्स. ये नहीं होगा भाई, समझ में आएगा कि नहीं ये वाला. इन ऑर्डर टू बिटनेस द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू, दिस इज करेक्ट आंसर. ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन फॉर द डे. तो लास्ट 2 क्वेश्चन. अमित, नो, इट डिपेंड्स. ओके, अमित का क्वेश्चन है कि सर विल देयर बी अ मैंडेटरी ऑडिबल आउट पार्ट इन द सेंटेंस. नो, दिस डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर इफ ही वॉन्ट टू कन्फ्यूज यू. ओके, मे बी इससे पहले जो मैंने वीडियो कराए हैं, द माई लास्ट 2 वीडियोज, ठीक है, इन दैट देर वॉज ओनली अ सेंटेंस एंड देन डिवाइडेड बाई 4 or 5 parts. ओके, एंड देन जस्ट मेक इट मीनिंगफुली करेक्ट. बट इन दिस पार्ट 1 part इज ऑडिबल आउट, सो दिस इज डिफरेंट. तो दिस इज नॉट मैंडेटरी, इट डिपेंड्स ऑन द माइंड ऑफ एग्जामिनर कि वो कितना कन्फ्यूज करना चाहता है. ओके, चलो लेट्स फोकस ना, बस 5 वीडियोस मेरे कहने पर देख लो आप जा करके, रेस्ट मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ेगा आपको फॉर लाइफ टाइम, ठीक है. ऑल राइट, अमृता चिटाले, ओके, यू ऑल्सो डू द सेम. और कौन है, आप लोग करो, मैं तो साइड में खड़ा हूँ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सॉल्व करने का, टाइम दे रहा हूँ. किरण माई, यू डू ऑल्सो द सेम. ओके, जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ, यस सर वी विल वॉच 5 वीडियोस एंड वी विल इन्फॉर्म यू, ठीक है. ऑल राइट, रैंडम सेशन नेवर डू दैट. ओके, अगर आप यहाँ पर रैंडम वॉच करने आए हो, नेवर वेस्ट योर टाइम. बट इफ यू आर हेयर टू यू नो टू गेट लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टू गेट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स एंड टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, देन फॉलो कंप्लीटली. स्वस्मिता, BADE. ओके, सुबह ऑसम. चलो लेट्स टॉक अबाउट इट. टू ड्रग्स और एल्कोहल, नो. एक कैन नेवर बी, ए तो हमारे ऑप्शन भी नहीं है. ई डी एंड बी. चलो, सो ई एंड डी और बी, तो बी को पढ़ लेते हैं. टू काम देमसेल्व्स. ओके, अच्छा, टू कम देमसेल्व्स मतलब खुद को काम करने के लिए, शांत करने के लिए. मैनी टर्न, मैं पूछ रहा था देमसेल्व्स है कौन, ये प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कौन, लेकिन मैनी के लिए यूज हुआ है, ये मैनी के लिए यूज हुआ है, तो नो प्रॉब्लम. चलो चेक करो. ऑलवेज वेरीफाई द प्रोनाउंस एज वेल. प्रोनाउन पर डाउट किया करो, भाई तू अकेला घूम रहा है या तेरा कोई है यहां पे. तेरे प्रोनाउन इज लाइक अ सन और नाउन इज लाइक अ फादर, ठीक है, ध्यान रखना. तो उस बेटा से पूछा करो, तेरे पापा कहाँ हैं, छोटा सा बच्चा है. किरण मई, ऑसम. जय सिंह, यू ऑल्सो वॉच माई प्रीवियस 5 वीडियो. नो उर्मिला, आई नो कि आप वॉच करोगे, लेकिन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको कन्विंस कर दूं एक बार, उसके बाद आप कन्विंस अपने आप हो जाएगा, फिर आप डेली आएगा पढ़ने के लिए. बिकॉज मुझे पता है देर आर समथिंग इन माई स्टोरीज दैट माई चेंज योर लाइफ. फर्स्ट आई बिलीव एंड देन आप भी बिलीव करेगा. चलो डिस्कस कर लेते हैं. बी ए, तो टू कॉम देल्सेस मैनी टर्न टू, ठीक है, टर्न टू लेफ्ट, टर्न टू राइट. आई टोल्ड यू ना द फिक्स प्रीपोजिशंस, द प्रीपोजिशन हेल्प. ऑल राइट, द मैंडेटरी पेयर्स. आई थिंक सबको समझ में आ गया था, फिर भी मैं समझा रहा हूँ. ओके, बिकॉज एक दो बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको नहीं समझ में आ रहा, जो एवरेज रहता है. तो मैनी टर्न टू, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं एंड देन आई कम बैक. टर्न टू, ओके,
तो मैनी टर्न टू ड्रग्स एंड एल्कोहल बट इन अटेम्प्ट टू फील गुड द साइड इफेक्ट्स. अब देखो साइड इफेक्ट्स क्या आता है, ठीक है ठीक है. द साइड इफेक्ट्स इम्पैक्ट. अब साइड इफेक्ट्स क्या करेंगे, हमारा इम्पैक्ट डालेंगे. आई थिंक आपको समझ में आ गया. आई शुड मूव ऑन. यार आप लोग तो 10 पे आ गया, मैं पीछे फंसा हुआ हूँ. ये एक अकेला ऐसा रेश है, ठीक है. दिस इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ रेश, यू नो, वेयर द टीचर इज हैप्पी लूजिंग यू, लूजिंग द रेस. योर ट्रेनर, योर टीचर, योर कोच, ठीक है. दिस इज आई थिंक बिकॉज वो चाहता है कि आप, हमारा बंदा मुरे से भी आगे निकल गया. मैं 10 सेकेंड में कर पाऊँ ना देखने में आपको समझाने के लिए, और आप 2 सेकेंड में करके चला गया है, ठीक है. सो आज मैंने 2 बातें आपको बोला. देर आर 2 थिंग्स. चीटिंग वाला बात कि हम अपनी क्लास में एक ऐसा चीटिंग करता है विच इज़ लाइक स्पिरिचुअल, विच इज़ रिलीजियस, विच इज़ लाइक लॉजिकल, विच इज़ मोस्ट वेलकम, ठीक है ना, और विच इज़ द मोस्ट नेसेसरी पार्ट. ऐसी चीटिंग कर रहा है हम लोग. हम सबको वो वाली चीटिंग करना चाहिए, चुटकियों में सॉल्व कर दो प्रॉब्लम को. सेकेंड, कौन सी बात बोला जो मुझे अच्छा लग रहा है, द रेस वाला पार्ट. आई एम हैप्पी लूजिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है. सो एवरीवन कांग्रेचुलेशंस अगर आप मेरे से पहले सॉल्व कर दे रहे हो, ठीक है. राइट नाउ देर आर 30 गाइज लाइव राइट नाउ. अगर आप 5 दोस्तों को भी लेके आओगे तो वी कैन बी 150 गाइज. अगर 100 प्लस बच्चा अगर साथ में वॉच करेगा तो इट विल इनकरेज मी. एक्चुअली तुम एक भी आएगा, मेरा इनकरेज वही रहेगा, मेरा एक्साइटमेंट सेम रहने वाला है, ठीक है. सो ठीक है, प्रॉमिस करके जाओ कि 5 लोगों को कन्विंस करोगे जो पढ़ रहे हैं कि इन वीडियोस को वॉच करो, और एटलीस्ट सेंड देम लिंक, ठीक है. आपने कोई मार्केटिंग नहीं करना है, बस जैसे कि हेल्प करो. मुझे किसी ने आकर के गाइड किया था, हेल्प किया था, ऐसा कर लो, बहुत अच्छा हो गया. वही है, एक दूसरे को अवेयर करना है, ठीक है ना. एज ए स्टूडेंट और हमारी एजुकेशन कम्युनिटी वाली, हमको दूसरे को हेल्प करनी है, और कोई मार्केटिंग नहीं करना, बस ये बोलना है कि हे दिस इज द थिंग हैपनिंग, गो एंड जॉइन इट. नाउ लीव अप टू द पर्सन. 5-5 लोगों करके लेके आओ, अपने फ्रेंड्स के साथ में आओ, डिस्कस करो. यहाँ पे देखो बिल्ला एंड एक और लेडी, कौन है, नफीजा सिंह आई गैस, दे आर फ्रेंड्स. अब मुझे पता है ये दोनों शायद रूम पार्टनर हैं या साथ में रहते होंगे, कॉलेज में रहते होंगे कहीं पीजी में. अब ये हमेशा आपस में आस्क देम, मुझे इनसे नहीं पता ये कौन लोग हैं, बट ये पक्का डिस्कस करते होंगे कि हे वो वाली ट्रिक ऐसी थी, वो स्केल ऐसे था, वो वाला ये था, ऑड मैन आउट ये था, समरी में सर ने ऐसे बोला था, इन्फ्रेंस ये बोला था, यार ये मैं भूल गया. तो एक दूसरे की हेल्प कर रहा होगा. आप भी अपने दोस्तों को पकड़ लो, उनके साथ में आप भी स्टार्ट कर दो. 5-5 लोगों का ग्रुप बना लो, आपस में डिस्कस करो, एंड आफ्टर द वीडियो अपने घर पर डिस्कस, मोहल्ले में डिस्कस करो, ठीक है ना. अकेले होकर के आप अकेला पड़ जाएगा. 5-5 लोग, 5 डिफरेंट माइंड्स, एक को समझ में आया दूसरा एक्सप्लेन कर देगा, और एक फील गुड आएगा, ठीक है. ऑल राइट अंशिका, आई नो, ओके आई नो बिल्ला, यू हैव डन द जॉब, ओके, नोबडी कैन स्टॉप यू नाउ. एंड अंशिका, बिल्ला, अंकिता, देर आर सो मेनी गाइज राइट नाउ हियर, ठीक है ना. सुभाषमिता एज वेल, और जो रेगुलर हैं इनको अब कोई स्टॉप नहीं कर सकता, नो फोर्स, ठीक है ना. आप चाहे वो किसी भी मूवी का फोर्स हो या किसी भी सुपर पावर मूवीज का, योर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर, ध्यान रखना, नोबडी कैन स्टॉप यू. क्वेश्चन नंबर 10 और डिस्कस कर लेता हूं, देन वी आर डन. राहुल, यस राहुल, थैंक यू. सारे हीरो बनो जाकर के, आई विल बी द सुपर हैप्पीएस्ट, ठीक है. आई थिंक आप इसको समझ में, अच्छा सबने कर दिया है क्या, मैं भी देख लेता हूं भाई इसमें क्या कहानी है. ऑलराइट, सेंस ऑफ इटसेल्फ, इट, मैं समझा रहा हूँ आपको, पता चल गया है. 2 मिनट और रुक जाओ, ठीक है, हम सेशन एंड करने वाले हैं, बट फिर भी मैं कैसे चीज़ों को देखता हूँ, फिर से कॉपी कर लो. जितना मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे द बेटर यू विल कम, ओके. आई एम नॉट फ्रॉम उड़ीसा राइट नाउ, आई एम इन उड़ीसा एक्चुअली, इन भुवनेश्वर, बट आई एम नॉट फ्रॉम उड़ीसा, ओके ओके ओके. सो देखो, प्रोनाउन कैन नेवर appear in the opening. If there is a pronoun in the opening part, na, then there must be a father, the noun present in the same part. Samajh gaya? Only way, that is the only way a pronoun can be in the opening part. Agar ek bachcha apne father ke saath aaya hai, to theek hai. Akela bachcha nahi ja sakta market mein. Dhyan rakhna. A pronoun can never be appear in the opening part. Okay. Of existence, be. देख रहे हो, बी
prepositions never appear in the opening part, very rarely in English language. In, there are some different structure, otherwise no. Okay. ठीक है, सिंस ईगो इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ, व्हाट डू यू थिंक? सी एंड बी इज द मैंडेटरी पेयर बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ समथिंग, न्यूक्लियस ऑफ समथिंग. ऑल राइट, ओके. अच्छा उर्मिला, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट उर्मिला यू कैन डू वन थिंग. ठीक है, ऑन योर फेसबुक, ऑन योर व्हाट्सएप और ऑन ऑल द योर क्लासरूम ग्रुप्स, जस्ट शेयर माई वीडियो लिंक. ओके, दैट्स इट, लेट एवरी वन नो. कोई ना कोई तरीका होगा जिस वे में यू कैन गिव मी बैक. ऑल राइट, थैंक यू गाइज. चलो, एंड प्लीज कीप रीडिंग, दीज ट्रिक्स विल हेल्प यू ओनली ट्रेमेंडियसली इफ यू आर रीडिंग डेली. रिमेंबर, दिस इज माई कूपन कोड. बहुत सारे लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया है कूपन कोड लगा करके, मुझे पता चल जाता है कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है. आप भी ज्वाइन करो, पीछे मत रहो, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गई है, आप भी आ जाओ उसमें, आगे निकल जाओगे, नहीं तो डायनासोर बन जाओगे. प्लीज प्लीज डू नॉट बी द डायनासोर, ठीक है ना, बी द, ठीक है ना, मार्वल हीरो, मार्वल हीरो बनो, सेव द वर्ल्ड, कैप्टन मार्वल. ओके, आर डी जे बनो. ऑल राइट, लाइक करके जाना, शेयर भी कर देना, और भाई हर वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, कहाँ गया ये, ओके, कमेंट कर दिया करो. ठीक है, जो वीडियो सब बाद में वॉच करोगे ना, लीव अ कमेंट, दिस वे मुझे अपने स्टूडेंट पता चल जाते हैं कौन कौन वॉच कर रहा है. ऑल द बेस्ट, और मैं बहुत जल्दी रीडिंग कॉम्पिटिशन लेके आऊँगा, और तब तक माहौल बना लो, रेडी हो जाओ, एंड कीप वॉचिंग वाले वीडियोज. एंड हाँ, वोकैबुलरी के सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, एक सेशन तो कर दिया है, मैं और लेके आने वाला हूँ. मोस्ट कन्फ्यूज्ड वर्ड, अगर आपने मोस्ट कन्फ्यूज वर्ड नहीं देखा है प्लीज़ वॉच. लगभग 10 वीडियोस की सीरीज लेके आऊंगा, और दुनिया के जितने टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन वर्ड्स हैं, बट ऑल द एग्जाम्स के फेवरेट हैं वो, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल दैट. ठीक है गाइज, कैसा सेशन लगा वीडियो के एंड में जरूर बता देना, लाइव कमेंट में नहीं, बाद में बता देना जाकर के. ऑल द बेस्ट.